अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यास्मीन हुमा खान किचन। तो आज हम अपने किचन में पकाने जा रहे हैं एग क्रिस्पी रोल और ब्रेड पनीर पकोड़े। तो इसके लिए हमने लिया हुआ है 3 आलू को बॉईल करके अच्छे से, और फिर हमने इसको ग्रेट कर लिया है छिलका उतार कर। और इसके अलावा हमने लिए हैं 100 ग्राम पनीर, इसका हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। 3 अंडे, इनको बॉईल करके छिलका उतार लिया है। 6 ब्रेड स्लाइसेस। और मसालों में हमने लिया है 3 हरी मिर्चों को हमने फाइन चॉप कर लिया है। 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, इसको भी हमने फाइन चॉप कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको हमने फाइन चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून के करीब ही हमने लिया है अमचूर पाउडर। लेकिन ये हम ब्रेड के भुरते में डालेंगे और जो एग रोल बनाएंगे उसके भुरते में इसको नहीं डालेंगे, तो इसे हम बाद में डालेंगे। हंड्रेड ग्राम बेसन और 1/2 बाउल हमने लिया हुआ है ब्रेड क्रम्स। तो आइए पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर भरते में अपने मसाले ऐड कर लेंगे, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाला, सॉल्ट, और यहाँ हमने अमचूर पाउडर को छोड़ दिया है। इसको जब हम आधा करेंगे उस वक्त ऐड करेंगे, और इसी में हम ऐड कर लेंगे हरा धनिया, अनियन और हरी मिर्चें, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। हमारा भरता एकदम से बनकर तैयार हो चुका है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। तो बेसन का बैटर तैयार करने के लिए लिया है हमने 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ज़ीरा। हम अपने सारे मसालों को बेसन में ऐड कर देंगे, रेड चिली पाउडर, हल्दी, ज़ीरा, सॉल्ट, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको थिक बैटर तैयार कर लीजिए। ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल सही होना चाहिए ये। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बेसन का बैटर हमारा तैयार हो चुका है, तो इसको हम कुछ देर के लिए ऐसे कवर करके रख देंगे, और तब तक हम दूसरे कामों की तैयारी कर लेंगे। एग रोल को डिप करने के लिए हमने लिया है कॉर्नफ्लोर, आप चाहें तो अंडा ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है। तो इसका हम थोड़ा पतला घोल तैयार कर लेंगे ताकि इसको हम डिप कर सकें अंडों के जो रोल बनाएंगे। ब्रेड क्रम्स में हमने 2 पिंच रेड चिली पाउडर, 1 पिंच सॉल्ट और 1 पिंच गरम मसाला पाउडर ऐड कर लिया है, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमने अपने भुरते को दो जगह कर लिया है, एक जो हम ब्रेड पकौड़े बनाएंगे ये उसका है, और इधर हम एग क्रिस्पी रोल बनाएंगे ये भरता उसका है। तो सबसे पहले हम अपने एग रोल बना लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा भुरता लेंगे, इसे अपने हाथों पे फैला लेंगे, हल्का सा हाथ पे चिकनाहट लगा लीजिए ताकि ये बनाने में आसान हो, ये आपका जो भुरता है वो चिपके नहीं। ये हमने बीच में अंडा रख लिया, और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा और ये भुरता रख लेंगे, और बाकी का नीचे से ले लेंगे। और ये हमारे बिल्कुल अंडे की शेप में आ गया है, ये देखिए। और इसको अब हम कॉर्नफ्लोर के स्लैरी में डाल लेंगे इस तरह से, और उसके बाद में ब्रेड क्रम्स में। और चारों तरफ से अच्छे से लगा लेंगे, और थोड़ा सा हाथ से भी दबा दबा के लगा लीजिए। और ये देखिए अच्छे से लग चुका है चारों तरफ से, तो अब हम इसको अलग कर देंगे। एक अंडे को हमने बीच में से इस तरह से कट कर लिया है, और इसे हम कट किए हुए अंडे के साथ बना रहे हैं, ये देखिए इस तरह से दबा दबा के बिल्कुल वही उसी अंदाज में बना लेंगे। ये देखने में थोड़े छोटे बनेंगे तो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये दबा दबा के अच्छे से कवर कर दीजिए,
और इसे भी हम स्लरी में डिप करेंगे इस तरह से, और अच्छे से ब्रेड क्रम्स में डिप कर लेंगे। देखिए हमने सारे अपने जो अंडे हैं उनको अच्छे से रोल बना लिया है, और ये हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। हमने उसी बाउल में अपना भरता ले लिया है ब्रेड का, तो अब इसमें हम ऐड कर लेंगे अमचूर पाउडर, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम ब्रेड बनाने जा रहे हैं, तो इस तरह से हाथ में लेकर थोड़ा सा इस तरह हम उंगलियों की मदद से चारों तरफ ये लगा लेंगे अच्छे से। ये भुर्ता इतना टेस्टी होता है कि आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप चाहे तो जिस भी चाहे। और अब हम यहाँ रख लेंगे अपना पनीर, और उसके बाद में हम इस पर दूसरा ब्रेड अच्छे से चिपका देंगे। दोनों हाथों से थोड़ा प्रेस कर दीजिए ताकि ये एक दूसरे से चिपक जाए। देखिए इस तरह से हम सारे ही ब्रेड अपने तैयार कर लेंगे पहले, उसके बाद में हम बेसन के बैटर में ऐड करेंगे। बैटर भी तैयार है और हमने जो ब्रेड पकौड़ों में फिलिंग भी भर दी है, तो पहले हम अपने ब्रेड पकौड़े तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम किनारों से पकड़ कर इस तरह डिप कर लीजिए। और इस तरह से हम चारों तरफ लगाकर ऑयल में फ्राई कर लेंगे। हमारे पकोड़े फ्राई हो चुका है, तो इसे एक से दो ही मिनट लगते हैं, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम सारे पकोड़ों को अपने फ्राई कर लेंगे। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कम से कम दो मिनट फ्राई कीजिए, और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है सिर्फ। ये देखिए हमारे ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हैं, बिल्कुल अच्छे से सिक चुके हैं। हमने फ्रिज में से निकाल लिया है, हमारे एग रोल को फ्रिज में रखे हुए 15 मिनट हो चुके थे, तो अब इसको हम फ्राई करने जा रहे हैं। और इसे चारों तरफ से पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। पलट पलट कर हम चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, और चूल्हे का फ्लेम हम इसमें स्लो टू मीडियम रखेंगे। ये देखिए हमारे एग रोल का जो कलर है एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत ही अच्छा। तो इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम दोनों को भी कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। क्रिस्पी एग रोल और पनीर के ब्रेड पकोड़े बन करके तैयार हैं, और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, तो इन रमज़ानों में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह।